हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौर शुरू हो चुका है और दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेता जनसभाओं में जुट गए हैं ताकि अपनी पार्टी को जीत दिला सके। पालमपुर की चुनावी सीट हॉट सीट बनती नजर आ रही है और हर प्रत्याशी यहां से अपनी जीत दर्ज करवाने का दावा कर रहा है। इसी कड़ी में वीरवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक आनंद शर्मा ने भी कांग्रेस प्रत्याशी आशीष बुटेल के पक्ष में वोट मांगे। अपने संबोधन में आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा ही लोगों को भ्रमित किया है, अपने झूठे वादों से लोगों को तकलीफ पहुंचाई है जिससे आम जनता काफी आहत हुई है। आनंद शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण करके आम लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया, लेकिन अब चुनावों में लोग इसका जवाब जरूर देंगे। वहीं आशीष बुटेल के बारे में आनंद शर्मा ने कहा कि आशीष बुटेल युवा नेता के तौर पर चुनावी रण में उतरे हैं और उन्हें उम्मीद है जनता आशीष का साथ जरूर देगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बृजबिहारी बुटेल ने जनता के लिए काम किया है, उसी तरह आशीष भी जनसेवा के लिए ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। श्री आशीष बुटेल को इन्होंने टिकट दिलवाया और बड़े प्यार से इन्होंने इनको यहाँ पर काम करने के लिए भेजा और यहाँ पर इनका बड़ा एक विचार था कि यहाँ पर पालमपुर में आपके समक्ष जरूर आएंगे, आपको एड्रेस करेंगे और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर आए हैं। आज इलेक्शन का मौका है और यहाँ पर हमारे नेता लोग जो हमारा उत्साह वर्धन करने आ रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आशीष बुटेल को सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने टिकट दिया, हम इनके पक्ष में हैं। और एक ऐसे परिवार से जिसने सेवा की है, इनके पिता बृजबिहारी लाल बुटेल जी आपके साथ, एक ईमानदार परिवार, नेक परिवार, सच बोलने वाले ये आपकी सेवा करेगा। पर मैं कह के जाता हूं आप जिताकर भेजो, आप देखें एक किस ऊंचाइयों पर जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आशीष बुटेल को आप देंगे, मैं इसीलिए यहां पर आया हूं और अच्छे मतों से आप इनको विजयी बनाएंगे। तो जैसे बुटेल साहब ने बड़ी जगह हासिल की है, मैं इतना कह सकता हूं कि हम सच बोलते हैं।